इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल का असर, बड़ी संख्या में जो निजी स्कूल है उन्होंने अगले दो दिन छुट्टी घोषित कर दी है। स्कूल बस ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल है। पेट्रोल डीजल की किल्लत लगातार अब होने लगी है, तो ये बड़ी खबर है। नए कानून के विरोध में, हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल का असर अब दिखने लगा। बड़ी संख्या में जो निजी स्कूल है उन्होंने अगले दो दिन छुट्टी घोषित कर दी है। दरअसल स्कूल बस ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की भी अब लगातार किल्लत हो रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिएगा कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की किल्लत अब होने लगी। इस हड़ताल का असर ये कि निजी स्कूलों ने दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि स्कूल बस ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल है। तो वही हरप्रीत हमारी संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े। हरप्रीत, कुल मिलाकर देखें तो अभी हड़ताल का साफ तौर पर असर दिखने लगा। एक तरफ निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो दूसरी ओर पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल डलाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किल्लत ना हो जाए इस वजह से। किस तरह की तस्वीरें, क्या असर पड़ रहा है हड़ताल का? बिल्कुल, देखिए हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर लगातार पूरे देश में जिस तरह से ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, सड़कों पर उतर रहा है और उसका अब जो असर है वो नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो नए साल की छुट्टियां थी और कल से स्कूल ओपन होने थे, लेकिन कई बड़े निजी स्कूलों में फिलहाल परिजनों को जानकारी दे दी गई है कि अगले दो दिन तक के स्कूल बंद रहेंगे। इसकी वजह पेट्रोल डीजल की किल्लत और ड्राइवर्स का ना आना बताया जा रहा है, जिससे माना जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ प्रभावित हैं बल्कि बसेस और जो ट्रक हैं वो भी नहीं चलेंगे। फिलहाल कलेक्टर खुद अब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने पेट्रोल पंप पर जिस तरह के हालात बने हैं, चाहे भीड़ हो या फिर जिस तरह से लोगों में मारामारी मची है पेट्रोल या डीजल खरीदने को लेके, फिलहाल जो हालात है उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने काबू में करने की कोशिश की है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर हड़ताल लंबी होती है तो आम आदमी के लिए बेहद मुश्किल भरा समय हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।